गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास. टुडे वी विल अंडरस्टैंड मैथ चैप्टर 8. क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द रेडियस व्हेन इट्स डायमीटर इज. अब हमें क्या है, रेडियस बतानी है जिसमें हमें डायमीटर गिवन है. ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 92 मिलीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 84 मिलीमीटर. ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है. अब जैसे कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, रेडियस निकालने का. तो फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यानी कि जो रेडियस है वो डायमीटर की कितनी होती है, हाफ हो जाती है. तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसी तरह, और r इक्वल टू 32 अपॉन 2 यानी 16 सेंटीमीटर. इसी तरह हम सभी इसी फॉर्मूले से सभी की रेडियस निकालेंगे, ठीक है, डायमीटर की हेल्प से. अब नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द डायमीटर व्हेन द रेडियस इज. ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें डायमीटर निकालना है. पहले में तो हमने रेडियस निकाली, अब इसमें क्या है, डायमीटर निकालना है और रेडियस गिवन है. ठीक है, अब क्या है, अब हमें पता होना चाहिए डायमीटर निकालने का फॉर्मूला. वी नो डी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई 2, यानी कि जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है. ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम जैसे निकालेंगे 25 मिलीमीटर हमें क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है. तो अब हम क्या करेंगे, उसका निकालेंगे डायमीटर. तो क्या करेंगे हम, डायमीटर इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 2. ठीक है, इसी तरह सब में क्या हो जाएगा, 70, इसमें 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो d इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 2. इसी तरह हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लुक एट द सर्कल्स एंड नेम द फॉलोइंग पार्ट्स. अब क्या है, हमें सर्कल्स दिए हैं, अब हम उनके पार्ट्स को लिखना है. ठीक है, जैसे सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कोड. ठीक है, सभी को सर्कल में देखना है और फिर उनके नेम्स लिखने हैं. जैसे सेंटर है, अब सर्कल में देखेंगे हम सेंटर कहाँ पे, ये है, तो इसका क्या है नेम, ओ. तो हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, ओ. ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे रेडियस. रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस क्या होती है, सेंटर से कर्व तक की जो लाइन होती है वो क्या होती है हमारी, रेडियस हो, जैसे ओ सी, ओ ए, ओ बी. ठीक है, अब डायमीटर क्या होता है, सेंटर को कट करती हुई लाइन जो दो कर्व के दोनों तरफ टच करती है. ठीक है, वो क्या होते हैं हमारा, डायमीटर होता है. तो डायमीटर क्या हो जाएगा, बी सी. ठीक है, अब कोड, कोड यानी कि लाइन जो कर्व को यानी कि सर्कल को टू पॉइंट पे टच करती है. ठीक है, वो हमारी कोड हो जाती है, जैसे पी क्यू. ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, सर्कल है, अब इसमें सेंटर, सेंटर हमारा फिर से देखेंगे ओ है. रेडियस क्या है, रेडियस देखेंगे ओ सी, ओ बी और ओ ए हमारी रेडियस है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे डायमीटर, हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, देखेंगे ये ए बी, ए बी हमारा डायमीटर है. और कोड देखेंगे अब इसमें, कोड क्या हो जाएगी, पी क्यू. इसी तरह आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स.